एक आवाज जाए कि भाई 4 बजे तक या तो हाईवे खाली कर दो, वरना भाई तुम्हारा राशन पानी सब कुछ हम जो हम मत से नहीं आने देंगे। फिर यहां से जो वही बंदा निकलेगा हरियाणा से, जो लोकल होगा आधार कार्ड राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आज स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध जताकर हाईवे खुलवाने के मामले में महापंचायत की गई, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने आज शाम 5 बजे तक का समय दिया था, लेकिन धरना दे रहे किसान नेताओं के सभा स्थल पर नहीं होने के कारण एक बार मामला गर्मा गया। ग्रामीण हाईवे की हरियाणा सीमा में धरने पर बैठ गए और बैरिगेट्स हटाने की जिद पर अड़ गए, लेकिन हरियाणा राजस्थान के प्रशासन ने 2 घंटे का समय लेकर किसान नेताओं से बात कर समाधान करने की सहमति के बाद शाम 5 बजे का समय दिया। 5 बजे बाद राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मीन, किसान नेता रामपाल जाट मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से वार्ता कर कहा कि वह सभी किसान संगठनों से बात करके ग्रामीणों को बता देंगे। किसान नेताओं की बात मानते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके कहने पर वह लोग आज का समय और दे रहे हैं, वरना कल के बाद महिलाओं सहित वह लोग जबरन बैरिकेड्स को हटाकर यातायात चालू करवा देंगे। इस दौरान कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसान नेताओं और स्थानीय प्रशासन की होगी। ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, पूरे पेट्रोल पंप खोखे, गाड़ी वाले, मिस्त्री, चाय वाला, होटल वाला, जूती पॉलिश करने वाला, जितने भी हम मजदूर तबका इस हाईवे से कमा कर खा रहा है वो 1 महीने से सब भूखे मर रहे हैं। ग्रामीण रास्तों से दुनिया भर की गाड़ियां निकलती, छज्जे तोड़ दिए रास्तों में, मकानों के रास्ते टूट गए, खड्डे हो गए हमारे सारे रोडों में। अगर कोई बुजुर्ग, कोई जवान, कोई बीमार हो जाए हम उसको डॉक्टर के नहीं ले जा सकते, किसी औरत के डिलीवरी है हम उसको डॉक्टर के नहीं ले जा सकते, चारों तरफ से हमारे रास्ते जाम है। गांव की गांव में ही गांव से बाहर निकलने के लिए आधा आधा घंटा लग जाए, सारी गलियां जाम होती है, दुनिया भर का ट्रैफिक गाँव से निकल रहा है, सारे रोड टूट के सब बर्बाद। अब हमने 2 घंटे का टाइम दे दिया, नहीं तो फिर किसान और हम आमने सामने होंगे। प्रशासन को कह दिया किसानों, या तो आप यहाँ से हट जाओ, अगर तुम साइड में हो तो हम आपको सब सुविधा देंगे, हम भी किसान हैं, हम भी इनके साथ हैं, तरीके से प्रोटेस्ट करो। सरकार ने कहा, जब ये करनाल और उधर से पंजाब से जब ये आए, सरकार ने कहा कि भाई हम आपको स्टेडियम देते हैं, आप वहाँ बैठकर पर धरना प्रदर्शन। बोला नहीं, हमने तो लोगों को तंग करना है, रोड रोकना है। ये तरीका जब होता था, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों के, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए उनका नुकसान होता है। आज हमारे देश का आदमी हमारे देश का नुकसान कर रहा है, इसको देशद्रोह नहीं करेंगे, कहने नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। किसान मान रहे नहीं, प्रशासन मान नहीं रहा जी, यहाँ हम पिस रहे हैं दोनों के बीच के अंदर, 1 महीना हो गया भूखे मर रहे हैं, क्या करें जी, भूखा मरता कुछ ना कुछ तो करेगा जी, या तो प्यार से मान जाते हैं नहीं फिर हम भी अपने वाड़ी पे आएंगे। सर क्या मांगे हैं आप किस तरह? मांग कुछ भी नहीं है, रोड खोल दो, सर्विस रोड पे बैठ जाओ साइड में, कुछ तो जमींदार हमारे यहाँ भी त्याग देने के लिए, हम एक एक किला खाली कर देते हैं आपके लिए, अपने टेंट लगाओ आराम से बैठो, जो मदद हमसे बनती है पानी की बिजली की हम देने के लिए तैयार है, टेंट को सामान हम देंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार है। यहाँ लोकल सारे 10-20 गांव के लोग बैठे हैं, हर चीज के लिए तैयार है, मेन रोड खोल दो ताकि हमारा व्यवसाय चले, भूखे लोग मर रहे हैं, मान ही नहीं रहे कोई भी, ना प्रशासन माने ना किसान मानते, कुछ नहीं लिख रहा। उन्होंने टाइम मांगा 2 घंटे का, हम 2 घंटे में बता रहे हैं। बाकी हमारा एक छोटा सा गांव है जयसिंहपुर खेड़ा, जिसके अंदर सभी आदमी यहाँ के जो जितने भी रहने वाले हैं इस रोड से ही उनकी आमद है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं है। कम से कम 500 खोखे हैं जिनके पर डे कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, और वो भी उन आदमी को हो रहा है जिन्हें जुत्ती बनानी है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कोई कुछ करता है, उनके चूल्हे कहाँ से चले, जिनमें से हम भी है जो हमारा बिल्कुल कोई काम नहीं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप हो चुकी है, हमारा यहाँ का सभी काम ठप हो चुका है, ना तो कहीं कोटपुतली में किसी का असर है, पूरे राजस्थान बिल्कुल खुशहाली से अपने धंधा कर रहा है, बड़ी आराम से कर रहा है, हमारा पूरा हरियाणा क्षेत्रफल पूरा एकदम क्लियर है। क्या किसान भाइयों ने हमारे ही ऊपर क्यों ये अत्याचार किया हुआ है, जो यहाँ पे सब चीज हमारी ठप हो गया, हमारा रोजी बिल्कुल बंद हो चुकी है, हमारी रोजी के अंदर 2 रुपए का कहीं भी कोई आमद का जरिया नहीं बचा है हमारे पास, 1 महीने से हम बिल्कुल कति तबाह होने पे है। सर रूट डाइवर्ट कर रखा है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही, किस तरह की समस्या है? रूट डाइवर्ट कहाँ कर रखा है, दिल्ली जाने वाले के लिए तो दुनिया भर के इन्होंने झंडा यही गाड़ के, हमारी टाइट पर से गाड़ के थोड़ी जानो है,
ट्रैक्टर में आगे जाए झंडो लगा ले। दिल्ली से 1,00,000 आदमी आते हैं, 1,00,000 जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बाकी इन्हीं को क्यों, इन्होंने जब झंडा दिखाना ही है तो यहाँ से थोड़ी दूर का इनका थोड़ा रोड शो कम हो जाएगा, बाकी तो आगे अपना रोड पे जाके अपना वहां जाकर झंडो लगा ले। अरे कौन से क्या नहीं करते, कौन से नेता क्या नहीं करते, सब करते हैं, सब जाके यहाँ नहीं वहां से, कोई आज तक कहीं रुका है बॉर्डर पे? आज तक दुश्मन नहीं रुके आते, और ये कह रहे हमारे को दिल्ली नहीं जाने दे रहे। दिल्ली जाने का 200 रास्ता खुला है, कहीं के जाओ, क्या दिक्कत है? इनने हमारे ये किसान भाई वाले इनके अंदर बात नहीं है। हमने इनसे 2 दिन हो गए बात करते करते, इन्होंने किसान भाई वाले हमारे रखे नहीं। हमने इनसे रिक्वेस्ट कर लिया, अब नहीं रिक्वेस्ट मानेंगे तो हमने इनको 2 घंटे का टाइम दे चुके, 2 घंटे बाद में हम भी जो हमसे बनेगा वो क्या रणनीति रहेगी, किस तरह की हम वो बाद में खुलासा करेंगे इस बात।